मीठी मुंह बड़ी बात, आकाश पर थूक फेंकने वाली बातें चलती रहती है। अब नीतीश कुमार जी के जो नवरत्न लोग हैं उन्हें कहाँ पसंद होना था, युवराज को तय करना है। और युवराज की भाषा जगदानंद जी बोलते हैं, बिहार और बिहारियों की बात होगी तो हम तो चाहते हैं कि नेतृत्व प्रशांत किशोर जी जैसे जो बड़े विजन वाले लोग हैं वो भी नेतृत्व आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। प्रशांत किशोर को लेकर जहां जेडीयू में घमासान मचा हुआ था, उसके बाद बाहर का रास्ता प्रशांत किशोर को जेडीयू ने दिखाया, तो अब आरजेडी में भी दो गुटों में आरजेडी बढ़ चुका है प्रशांत किशोर को लेकर। एक गुट प्रशांत किशोर के समर्थन में है, स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है राजद में प्रशांत किशोर के इंट्री को लेकर, और एक गुट जो राजद का है वो विरोध पर उतरा है, प्रशांत किशोर को खरी खोटी सुनाई जा रही है। वहीं बिहार की राजनीति की बात करें तो लगातार पप्पू यादव तीसरे मोर्चे की कवायद करते दिख रहे हैं। कल भी जीतनराम मांझी से मिलने पहुंचे थे पप्पू यादव और साफ कर दिया बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने कि थर्ड मोर्चे की जो पप्पू यादव कवायद कर रहे हैं वो बिल्कुल उचित है, विकास के लिए कार्य करेंगे और साथ में मंच भी शेयर करेंगे। पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, प्रशांत किशोर को लेकर लगातार जेडीयू में घमासान मचा हुआ था, अब आरजेडी में वही घमासान मचा हुआ है, दो गुटों में आरजेडी बच चुका है, एक समर्थन तो एक विरोध। मुझे समझ में नहीं आता, ना मोदी जी को एप्लीकेशन देने प्रशांत किशोर गए थे 2014 के पहले जी, ना नीतीश कुमार जी को एप्लीकेशन देने गए थे। अब और ना आरजेडी में प्रशांत किशोर ने एप्लीकेशन दिया। प्रशांत किशोर जी मुझे लगता है कोई एस्थेटिक्स, बड़े एस्थेटिक्स बंदे हैं, काफ़ी जीनियस इंसान हैं और वो अपने तरीके से पॉलिटिकल विज़न को देखते हैं जी। और बड़ी मुंह छोटी मुंह बड़ी बात, आकाश पर थूक फेंकने वाली बातें चलती रहती। अब वो राजनीति का खिलाड़ी होंगे या नहीं होंगे तय करने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन मेरा मानना है कि जी यूज एंड थ्रो की जो प्रवृत्ति पॉलिटिशियन की है, मुझे लगता है ये राजनीतिज्ञों के खून में है, चरित्र में। और इस देश में अपने से ज़्यादा कोई भी पॉलिटिशियन जीनियस और विजनरी इंसान को लाइक नहीं करता है। पीके बिहार और बिहारियों की बात, बिहार में जो एजुकेशन का पलायन है 20,000 करोड़, रोजगार, बिहार कैसे महाराष्ट्र बने, बेंगलोर बने, लगातार वो नीतीश कुमार जी के साथ रह के काम कर रहे थे। अब नीतीश कुमार जी के जो नवरत्न लोग हैं उन्हें कहाँ पसंद होना था, और नीतीश कुमार जी को भी जो उनकी विचारधारा है वो सही है, और जो मूल्यों पर आधारित विचारधारा है, देश को बचाने वाली विचारधारा है, गांधी की आइडियोलॉजी का विचारधारा है, तो अब वो शायद पसंद नहीं है। तो इसीलिए कल जो बात है जगदानंद सिंह ने, वो बक्सर दोनों का घर है और मुझे लगता है कि बक्सर के राजनीति में कोई बातें हुई होगी, लेकिन इस तरह की बातें और मर्यादित भाषा का प्रयोग शायद वो उचित नहीं है। और जो लोग प्रशांत किशोर जी को लेने की बात कर रहे हैं, जब उन्हीं का फोटो और सब कुछ गायब हो जाता है अनुशासन के नाम पर मंचों से, और दल में कोई वैल्यू रही ही नहीं, बस युवराज का फैसला लालू यादव ने कर दिया हो, तो फिर घर में और बातों की वैल्यू क्या है। युवराज को तय करना है और युवराज की भाषा जगदानंद जी बोलते हैं, तो जब युवराज की भाषा जगदानंद जी बोलते हैं तो किसी के बोलने और इससे चीज़ें नहीं है, लेकिन जगदानंद जी ने चमचागिरी का हद पार कर दिया। उनका जो भीतर काला जितना है ना, वो उनसे उनके क्षेत्र में पूछिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी को तीसरे मोर्चे की जो आप लगातार
कवायद करते कर रहे हैं, जी तरह मांझी से मिल रहे हैं, अन्य पार्टियों से बातचीत करने की भी आपने अनुरोध की है जी तरह मांझी जी से, तो क्या प्रशांत किशोर की एंट्री होगी? भाई प्रशांत किशोर जी आप स्वयं अपने फैसले के लिए निर्भर हैं जी, लेकिन यदि बिहार और बिहारियों की बात होगी तो हम तो चाहते हैं कि नेतृत्व प्रशांत किशोर जी जैसे जो बड़े विजन वाले लोग हैं वो भी नेतृत्व आए। रघुवंश बाबू हैं, मांझी जी, मैंने पहले कहा दलित और अत्यंत पिछड़ा कि जो एक आज देश में डिमांड है दलित मुसलमानों को एक होने की, अत्यंत पिछड़े को, और जो नारा शुरू से कर्पूरी जी, जगदेव बाबू, लोहिया जी प्रकाश देते रहे कि समाज के दलित माइनोरिटीज के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर का ये नारा है कि एक होकर के देश का रास्ता तय करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ उसमें जो आज बड़े दिल वाले और मन वाले जो लोग हैं, दिनकर टाइप के, विद्यापति का भी टाइप के, ऐसी राजनीति जेपी लोहिया टाइप के, जो ऊंची जातियों में रहने के बाद हमेशा सर्वहारा की बात किया, हमेशा सामाजिक न्याय की बात किया, सेकुलरिज्म की बात किया, तो प्रशांत किशोर जी जैसे लोगों को तीसरे बड़ी ताकत यदि बनेगी, एक दल हो, एक विकल्प हो और एक बड़ा लक्ष्य हो, तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि प्रशांत किशोर जैसे वैचारिक, रघुवंश बाबू जैसे वैचारिक समाजवादी, सामाजिक न्याय के प्रहरी जैसे लोगों को एक साथ एक दल में बना करके आगे बढ़ना चाहिए, पप्पू यादव जी खड़े रहेंगे। अब सीधा सवाल सर, विकास की आप बात करते हैं और लगातार CA NRC और NPR के विरोध में आप खड़े रहे हैं, आप जनसभाएं भी कर रहे हैं, तीसरे मोर्चा बनाने की ज़रूरत आपको क्यों लगी कि ज़रूरत है बिहार के राजनीति में तीसरा मोर्चा बने, जबकि महागठबंधन पहले से बना था? महागठबंधन का कोई औचित्य कहाँ आपको लग रहा है, अब हमको बताओ ना, जो अभी वर्तमान RJD का कुनबा है वो सिर्फ ये सोचती है कि कांग्रेस मेरे साथ रहे, और लोग आप देख ही रहे हो जब उपेंद्र जी किसी कॉल को बुलाते हैं तो आपको वो गायब होते हैं, NRC CA पर जब एक बैठक होती है तो गायब हो जाते हैं, जब वाम से बंद का कॉल देते हैं तो गायब हो जाता है, उन्हें उन लोगों का कि अभी जो एक बनी थी लोकसभा के समय और लोकसभा के भीतर ही चुनाव के समय महागठबंधन का कि एका मजबूती से नहीं हो पाई, कांग्रेस को अपमानित करने का, अन्य दलों को अपमानित करने की प्रक्रिया चलती रही। अच्छा, और कुछ लोग तो मुख्यमंत्री का ओथ लेने के लिए नवंबर में परेशान है कि हम ले लिए ओथ, तो वहाँ जब पहले ही मुख्यमंत्री का ओथ हो जाएगा और जो देश आज सोचता है दलित माइनोरिटीज, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ों एक साथ, सेकुलर अगर एक साथ हो करके काम करे, और जिनको 15-15 साल देख लिया और बिहार की जनता भरोसा नहीं करती ऐसे पार्टियों पर, तो एक सशक्त विकल्प जिसमें सभी लोग हों, जो मुख्यमंत्री के लिए परेशान है उन्हें अपनी अहंकार छोड़नी पड़ेगी, और किसी, अब कांग्रेस ने मीरा कुमार जी का भी नाम सुना है, कोई भी दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ों में आप करो आगे बढ़ो, लेकिन जो 30 साल लगातार राजनीति में है उससे बिहार की जनता उब चुकी है और भरोसे नहीं रहे, ना ट्रस्ट रहा, और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज दलित को, जादवों पर, जो जादवों को कितना ज़्यादा, मैं अपील करता हूँ कि इतिहास बचाना हो तो जादवों को निकलना चाहिए घर से, सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद दलित माइनॉरिटीज के लोगों ने सपोर्ट किया ब्राह्मण समाज के लोगों को और बाद में जादव समाज के लोगों को, और आज सबसे ज़्यादा आलोचना और गाली जिनको सपोर्ट किया उनसे मिले, और यादव घर में बैठे रहे, इतनी बड़ी लड़ाई में माइनॉरिटीज इस देश को बचाने के लिए आगे आ जाए, दलित आगे आ जाए, और यादव लोग अब कुछ पिछड़े वर्ग के लोग बैठे रहे, तो ऊंची जात के सेकुलर और कुछ सेकुलर लोग तो हैं बाहर, लेकिन यादवों की राजनीति के लिए ये खतरनाक मोड़ है, मैं आग्रह करूंगा ये आप पर हमला है,
और ख़ास तौर पर जात मुँह से कहूँगा, आप नहीं बचिएगा। ये मुसलमानों के लिए एनआरसी सीए नहीं है, आपके राजनीतिक इतिहास पर हमला होगा। और यदि आप घर बैठे रह गए तो फिर आपके राजनीतिक इतिहास खत्म हो जाएंगे, आपको किसी का पिछलग्गू बन के रहना पड़ेगा। जैसे लोकसभा में आप 20% जादवों ने बीजेपी को वोट दे दिया, तो अपना इतिहास तो मिटाते जा रहे हैं ये जादव लोग। तो उन्हें घर से निकलने की ज़रूरत है और सीए के दलित माइनॉरिटीज़ की राजनीति के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, ये मैं अपील करता हूँ। अन्यथा जो आज 16-17% देश में है ना, और लालू यादव मुलायम सिंह यादव को लंबे समय मिलने के बाद राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं रहा, तो उसी तरह आज वक्त आया है इस देश को बचाने, सेकुलर धारा को बचाने और दलित माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े होने की। हो जाइए, इतिहास कायम हो जाएगा, अन्यथा इतिहास मिट जाएगा। पप्पू यादव की अपील तो आपने सुनी ली है, साथ ही साथ तीसरे मोर्चे की भी। लगातार पप्पू यादव जो है बिहार के राजनीति प्रयास कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, जीताराम मांझी से मिल रहे हैं, उनसे अनुरोध भी किया है कि कांग्रेस, आरएलएसपी, मुकेश सहनी, वीआईपी, इन तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले और बातचीत करें और तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए ताकि बिहार में विकास हो। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी मुँह बड़ी बात, आकाश पर थूक फेंकने वाली बातें चलती रहती है। अब नीतीश कुमार जी के जो नौरत्न लोग हैं उन्हें कहाँ पसंद होना था, युवराज को तय करना है। और युवराज की भाषा जगदानंद जी बोलते हैं, बिहार और बिहारियों की बात होगी तो हम तो चाहते हैं कि नेतृत्व प्रशांत किशोर जी जैसे जो बड़े विजन वाले लोग हैं वो भी नेतृत्व आए।